कोर को वहां पे डाउन किया जा चुका है और फिनिश भी शायद वहां पे हमें करते हुए देखने को मिल जाए। काफी सारी टीमें हैं जो कि बहुत जल्दी अपने एकाद या दो खिलाड़ी इनके तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो काफी ज्यादा फेक इसीलिए थोड़ा ट्राई कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे गॉडले की बात करें आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ग्रेनेड का पिन आउट रहेगा, क्या एक बेहतर कनेक्शन यहाँ पे ढूंढ पाएंगे क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से नजर रखा जा रहा है और ग्रेनेड भी अलग अलग डायरेक्शन से किया जा रहा है। कनेक्शन मिलेगा यहाँ पे स्काउट को, टेक डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। गॉड लाइक वर्सेस एक्सपर्ट, यहाँ पे स्काउट को मैच से बाहर भी किया जाएगा। जोनाथन आएंगे, आदित्य को वहां पे डाउन करेंगे। दो फिनिश निकाला गया, जो स्प्लिट खेलने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आए और पूरी टीम इस मैच से बाहर। दो खिलाड़ी पहले ही वहां पे गए, क्लच गॉड उनको हल्का सा इंटर करना है सर्कल के अंदर और एक बार फिर से जोन की शॉटलाइन से दूर जाता हुआ जूनिपर की स्क्वाड टीम जरूर से मौजूद है। उनको ही पता है कि बैक क्लियर करना जरूरी है। ये ग्रेनेड बहुत अच्छा है, क्लच गॉड का एक ग्रेनेड जाएगा, स्प्लैश डैमेज जरूर से वहां पे दिया गया है, लेकिन अब टू रिपोर्ट बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस उनके पास बचता है। बैक टू बैक वो ग्रेनेड जा जरूर से रहे। दूसरी तरफ ऑक्टेवियस, वो टीम रिवेंज की जो मुश्किल है वो बढ़ाएंगे। ये ग्रेनेड फाइनली कनेक्शन बनाएगा शैडो का, विरू डाउन होते नजर आएंगे और अब वो जो पुश है वो हमें यहां पर आता हुआ नजर आएगा। एक 3v2 का सिनेरियो जरूर से रहने वाला है टू रिपोर्ट के लिए। वहां पर दोनों खिलाड़ी को डाउन करेंगे टू रिपोर्ट, दे आर आउट ऑफ द गेम।